हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यार, 9th स्टैंडर्ड के लिए हमारा पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीटेड है, हमने पूरा पढ़ा के कंप्लीट किया है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि जो हमारा जे आर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है ना, तो यार इस पे बहुत ज्यादा बेहतरीन चीजें आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने वीडियोस एंड बाकी चीजें भी डालना शुरू कर दिया है। मतलब वीडियोस आपको थोड़े समय में मिलेंगे, लेकिन बाकी क्विजेज जो है ना, वो क्विज जाके अटेम्प्ट कर लेना अगर आप 9th के हो, 10th के हो। तो यार बहुत सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज हमने डाला हुआ है, तो क्विज जाके अटेम्प्ट करना। आपके कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स मुझे टैग करना इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर से, मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी देखूं यार कितने लोग कितना अच्छा मार्क्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और 9th के आपके लिए ना बहुत बेहतरीन वीडियो के कोर्सेज आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च होगा। जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं यूट्यूब चैनल पे आके लाइव लेके करूंगा, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा, तो बने रहना हमारे साथ। और जिन्होंने भी एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे जाके जेआर ट्यूटोरियल्स को सर्च करो, और वहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। वो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पूछेगा, तो रजिस्टर कर लेना एंड फिर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, और फिर लॉगिन कर लेना उसको, और आप हमारे ऐप में आ जाओगे। तो जरूर से एनरोल कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज क्या लेकर आया हूं, जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हमारा चल रहा था, तो आज आप लोग के ही डिमांड के कारण मैंने कुछ कॉमेंट्स देखा जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर स्टडी ऑफ साउंड जो है ना, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करा जाए। तो यार एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का पहला लेक्चर इस चैप्टर के लिए लेकर आ गया हूं, हमारा 9th स्टैंडर्ड साइंस के लिए, जो कि है स्टडी ऑफ साउंड का न्यूमेरिकल। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा आप लोग को आज मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। टोटल 4 से 5 न्यूमेरिकल है, लेकिन आज मैं आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप का अलग अलग न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना, वीडियो को एंड तक देख लेना, सिर्फ न्यूमेरिकल है। बाकी अगले लेक्चर में फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और मैन आउट जो भी है वो मैं करा दूंगा, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो क्वेश्चन इज गिवन हियर, हमारा ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग। हम लोग यहां पे लिखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए हुए, यानी कि ये न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें दिए हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल्स क्या है, इसको स्टडी करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पूछा क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो दोस्तों। देखो, क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं समझ में आएगी कि करना क्या है इसमें। तो यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, ऑब्वियसली हर एक का स्पीड होता है। जैसे हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, तो ये धीरे धीरे एक साउंड वेव्स के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। ये चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा उनको नहीं समझेगा, लेकिन जिन्होंने देखा ये चैप्टर का लेक्चर, हमारे वीडियो जिन्होंने देखे उनको तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो जो भी हम लोग बोल रहे हैं या फिर जहां से भी साउंड निकलता है, वो वेव्स के फॉर्म में निकलता है और वो ट्रैवल करता है एक स्पीड से। तो यहां पे एक स्पीड दिया हुआ है 332 मीटर पर सेकंड, एंड इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड पर डिग्री, व्हाट विल बी द टेंपरेचर व्हेन द वेलोसिटी हैज इंक्रीज टू 344। यानी कि 332 से 344 तक पहुंचने के लिए उसका क्या टेम्परेचर हुआ, ठीक है ना। व्हाट विल बी द टेम्परेचर, उसका क्या टेम्परेचर हुआ, ये हम लोग को निकालना है। तो बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द टेम्परेचर जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होकर 344 तक पहुंचेगा बी एक्स। मैंने क्या मान लिया, जो उसका टेम्परेचर होगा वो एक्स डिग्री सेल्सियस होगा, ये मैं मान लिया। या फिर आप एक्स मत मानो, आप क्या मानो, टी मान लो, क्योंकि एक्स मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैथ्स वगैरह में अच्छा लगता है, मैं टी मानता हूं, टी फॉर टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस। ये समझा आप लोग को, लेट द टेम्परेचर भी टी डिग्री सेल्सियस, इतना आपको समझ में आ गया। अब मुझे एक चीज पता है दोस्तों, कि जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है, पहले कितनी थी 332 थी, अब कितनी हो रही है 344, तो मतलब मेरा इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है दोस्तों। देखो यहां पे ध्यान से देखना जो भी मैं बता रहा हूं, इंक्रीज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक हो रही है, पहले 332 बाद में 344 हो गई, मतलब 344 माइनस 332 तो कितना आ रहा है दोस्तों, 12। तो 12 मीटर पर सेकंड का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो मेरी वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी, पहले 332 थी बाद में 344 हो गई, मतलब 12 मीटर पर सेकंड का फर्क आ रहा है। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और यहां पे क्लियरली बोल के रखा है क्वेश्चन में ही बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है, कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, आप देखो 0.6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, डिग्री से, पर डिग्री के इससे हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज गिवन दैट, कलर थोड़ा चेंज करता हूं मैं, इट इज गिवन दैट, देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पे, इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड इन एयर, हवा की बात हो रही है,
तो इट इज गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकंड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज। देखो क्या बोल रहे हैं, पर डिग्री मतलब फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, मतलब हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के वजह से उसका जो स्पीड है, साउंड का जो स्पीड है वो कितने से बढ़ रहा है, 0.6 मीटर पर सेकंड से। तभी तो यार पहले 332 था और बाद में हो गया 344 पे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को समझो। देखो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, हम लोग ना लोग बोलते हैं कि बहुत हार्ड होता है, फिजिक्स है ना ये जो अभी पढ़ रहे हो ये फिजिक्स है, आप आगे जाके एक सब्जेक्ट हो जाएगा जब 11th स्टैंडर्ड में साइंस लोगे, तो ये एक्चुअली साइंस जो आप पढ़ रहे हो ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि सबसे पहले आपका जो साउंड था हवे में, साउंड जो था वो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था एक टेम्परेचर के वजह से, लेकिन वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से 0.6 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है। तो मुझे यह बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे स्पीड बढ़ के 332 से बढ़ते 0.6 ऐसे बढ़ते 344 तक पहुंचेगा, वही निकालना है। मतलब मेरा टेम्परेचर टी निकालना है मुझे। तो मुझे एक तो पता है कि जो मेरा एयर का साउंड जो बढ़ रहा है वो 0.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो एक्चुअल में मेरा हर एक डिग्री के वजह से 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो 1/0.6 मीटर के हिसाब से क्या बढ़ रहा है मेरा, यहां पे ये चीज बढ़ रहा है 0.6, ठीक है ना, 1 डिग्री 1/0.6। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो टेम्परेचर राइज जो होगा, जो मेरा टेम्परेचर राइज होगा वो इतना होगा। तो हम लोग यहां पे एक और वर्ड लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ ग्रीन कलर लेता हूं, चलो यहां पे टेम्परेचर राइज जो हो रहा है इज गिवन बाय, टेम्परेचर राइज इज गिवन बाय 1/0.6 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना। मतलब क्योंकि हर एक डिग्री पे 0.6 मीटर स्पीड से बढ़ रहा है, तो 1/0.6 डिग्री पर सेल्सियस हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को कितना डिफरेंस निकाला हमने 12 डिग्री के हिसाब से, तो 12 के हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या निकालेंगे यहां पे, कि फॉर 12 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन द स्पीड, फॉर 12 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज इन वेलोसिटी और 12 मीटर पर सेकंड इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि देन द टेम्परेचर राइज इज गिवन बाय, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 के लिए हम लोग ने 1/0.6 लिखा, वैसे 12 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इज गिवन बाय 12/0.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, 12/0.6 कर लो, तो 12/0.6 नीचे 0.6 है, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 120 और नीचे हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और ये 0, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर आ गया, यानी कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर, आपको पूछा है ना कितना टेम्परेचर होगा, तो आप क्या बोल सकते हो कि 20 डिग्री टेम्परेचर होगा जब वेलोसिटी ऑफ साउंड पहले 332 पे थी और अब बढ़ के 344 पे आ गई, तो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ने की वजह से टेम्परेचर 20 डिग्री तक बढ़ गया। समझ में आ गया, क्लियर है, तो कितना बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया, इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो ये आप एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के तौर पे इसको लिख सकते हो और इसको एक तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, और अगर ऐसा क्वेश्चंस इसके जैसा भी क्वेश्चन आया तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। चलो फटाफट से इसी बात पे कमेंट करके बता देना, देखो आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत हो रही है, ठीक है, तो बता देना, आपको मजा आ जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है, नीता हर्ड द साउंड ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब पता है, ये जो वर्ड लिखा है लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, तो नीता एक लड़की थी, उसने बिजली चमकने का जो है साउंड सुना आफ्टर 4 सेकंड ऑफ सीइंग इट, मतलब बिजली चमकती है, देखो आपने देखा है कि नहीं आसमान में, पता नहीं क्योंकि मैं बहुत देखता था, मैं पहले बचपन में अपने मतलब लगभग 6th-7th स्टैंडर्ड तक ना मैं एक ऐसी जगह पर रहता था जो बहुत ओपन था, वहां पर टेरेस था पूरा ओपन, हम लोग देख पाते थे, अभी भी मतलब जहां पर रहता हूं मैं ओपन ही है, लेकिन बचपन की बात कुछ और होती है, बगीचा, खुला मैदान, बहुत सारा ऐसा अच्छा स्पेस था हमारे पास। तो ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी बिजली चमकती है तो बिजली चमकना पहले हमें दिखाई देता है और आवाज जो आता है ना बादल गरजने का बिजली के साथ में, वो लेट सुनाई देता है। तो इसके पीछे का रीजन तो आप जानते ही हो, क्या है रीजन, कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लगभग माना जाता है 344 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, किसकी, साउंड की स्पीड, और जो लाइट होती है जो बिजली हमें दिखाई देती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो करोड़ों में है और ये तो सिर्फ 344 है। तो यार बिजली की लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम लोग को तुरंत दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है। ये साउंड जब तक वहां पे हुआ तो साउंड वेव्स के फॉर्म में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो हमारे कानों तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा, इसके लिए हमें लेट सुनाई देता है क्योंकि स्लो है बेचारा। साउंड जो है वो स्लो ट्रैवल करता है, लाइट बहुत तेजी से जाता है, करेक्ट है। अब वही चीज इसका सॉल्यूशन है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो बता दिया आप लोग को, वही सॉल्यूशन है कि नीता ने साउंड सुना लाइटनिंग का 4 सेकंड आफ्टर सीइंग व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम हर, मतलब डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग कितना है वो निकालना है और साउंड का वेलोसिटी हमें लेने बोला है 340, एग्जैक्टली 344 समथिंग होता है लेकिन 340 हमें लेने बोला है। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे लेंगे? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहां पे हमारे पास, तो लेट द डिस्टेंस किसका डिस्टेंस पूछा है हम लोग को, बिटवीन किसके किसके बीच में, नीता के बीच में एंड नीता और कौन है भाई, What is the distance of lightning from her? मतलब नीता एंड लाइटनिंग, बिजली चमकना और नीता के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? मैंने x मान लिया, ठीक है x, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें बोल के रखा है उन्होंने, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो उन्होंने बोल के रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पता है एक चीज, क्या पता है दोस्तों, कि हमारा जो यहां पे टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टाइम, कि उसको पहुंचने के लिए, मतलब नीता ने जब आवाज सुना तो 4 सेकंड में सुना, मतलब कहीं ना कहीं लाइट को नीता के कानों में पहुंचने के लिए, लाइट को जो नीता के कान में पहुंचने के लिए जो टाइम लगा है, लाइट टाइम जिसको मैं बोलूंगा, वो मेरा दिया हुआ है 4 सेकंड का, ठीक है 4 सेकंड का दिया हुआ है। तो मुझे पूछा है आप निकालो कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग फ्रॉम हर, मतलब एक्स निकालना है। तो डिस्टेंस मुझे एक्स पता है, स्पीड मुझे ये पता है, टाइम मुझे पता है, तो एक फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा वाला बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें मुझे स्पीड पता है क्या, बिल्कुल पता है, स्पीड ऑफ 340 इज इक्वल टू डिस्टेंस, मुझे पता है क्या, डिस्टेंस मेरे लिए एक्स है अपॉन टाइम मुझे पता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, देयरफॉर आपका एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 340, तो एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, That is 3 4 0 0 4 4 16 का 1 carry 4 3 12 and 1 13 1 3 6 0, और ये x is equal to distance है ना, तो ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो आपका x का यूनिट आ गया मीटर, मतलब जो नीता है और जो लाइटनिंग था उसके बीच में कितना दूरी था, लगभग 1360 मीटर, ये इतना दूरी था, समझ में आ गया, इतना सिंपल एग्जाम्पल था। तो ऐसे सिंपल वाले भी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो जरूर से इसको देख लो, ऐसे आ सकते हैं, नाम बदल सकता है, वैल्यूज अलग बदल हो सकते हैं, मतलब 4 सेकंड के बदले 8 सेकंड दिया रहेगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखो यहां पे क्या बोल रहा है सुनील, क्या बोल रहा है सुनील के बारे में, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेता हूं क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं, दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है इतना ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सुनील, क्या बोल रहा है, इज स्टैंडिंग बिटवीन दो वॉल, सुनील जो है वो दो वॉल के बीच में स्टैंड किया हुआ है, ठीक है, समझ लो कि मेरे पास दो वॉल है, ठीक है समझ लो, क्या दिया हुआ है यहां पे, सुनील जो है यहां पे दो वॉल के बीच में खड़ा हुआ है, तो मैं अभी समझ लो दो वॉल में कैसे ड्रॉ करूं बताओ, मैं क्या करता हूं ना, एक ये लेता हूं, ग्रीन कलर ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं यहां पे एक ऐसा वॉल बनाता हूं, ये वॉल है मेरा, ठीक है ये मेरा वॉल है, और इसके बीच में मैं सुनील को खड़ा करता हूं, समझ लो ये सुनील है, ठीक है ये इसका मुंडी, ये इसके हाथ, ये उसके पैर, ये सुनील है काफी दुबला पतला सुनील है ठीक है, तो ये सुनील है, ठीक है। तो सुनील जो है वो दो वॉल के बीच में खड़ा है, द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, मतलब जो सबसे नजदीक है वॉल वो कितना है समझ लो 360 मीटर दिया हुआ है, समझ लो ये साइड उसका नजदीक है तो 360 मीटर में दिया हुआ है, ही शाउट्स ही हियर द फर्स्ट इको आफ्टर 4 सेकंड, उसके नजदीक में वो आवाज चिल्लाता है, समझ रहा है मुंह से अपना आवाज बोल रहा है, जैसे मेरे सामने दीवार है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मेरे सामने दीवार है, ठीक है आपने मेरा स्टूडियो देखा है ना, नहीं देखा है तो व्लॉग जाके देख लो, मैंने स्टूडियो दिखाया हुआ है मेरा व्लॉगिंग में, JR व्लॉग चैनल है मेरा, कौन सा है चैनल, JR व्लॉग्स नाम का मेरा एक चैनल है, उसमें मैंने ये स्टूडियो का व्लॉग बना के बताया है, उसमें मेरा सिल्वर प्ले बटन, मेरा सेटअप कैसा है, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करता हूं, ये सब चीज बताया हुआ है, इंटरेस्ट होगा तो जरूर जाके देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है चलो ये हो गया। चलो अब मैं क्या बता रहा था कि मेरे सामने एक दीवार है, अब मैं कुछ चिल्लाऊंगा हेलो, तो वो ऑब्वियसली टकराएगा आवाज और रिटर्न आएगा, दैट इज नथिंग बट द इको जनरेट करना, ये हमने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर के अंदर, इको क्या होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जब वो चिल्ला रहा है यहां पे तो उसको कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, एंड अनदर आफ्टर 2 सेकंड, मतलब इको मतलब क्या होता है ना,
इको आपको पता है क्या होता है कि जब मेरा आवाज जब कहीं पे टकराता है तो वो बार बार रिपीट होता है, जैसे इको मतलब ये होता है हेलो हेलो हेलो, ऐसा बार बार रिपीट होता है। तो पहला इको 4 सेकंड में सुनाई दिया, दूसरा इसको 2 सेकंड में सुनाई दिया। तो क्वेश्चन पूछा इसमें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मतलब उस टाइम पे हवा में जो स्पीड थी वो कितनी थी वो निकालना है। दूसरा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल, मतलब ये दोनों वॉल के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हम लोग को निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, दैट इज टाइम टू हियर फर्स्ट इको, जो कि आपको दिया हुआ है 4 सेकंड का, 4 सेकंड का फर्स्ट इको आपको दिया हुआ था, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होगा ये साउंड का, अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो सबसे पहले तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि दो वॉल था और दो वॉल के बीच का जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो इसके बीच का था, क्या नाम है इसका, सुनील का, वो 360 मीटर था। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि जो मेरा सुनील का जो डिस्टेंस था, तो अगर मैं बात करूं यहां पे डिस्टेंस, ठीक है, मैं अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा होगा साउंड का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड, ये 4 सेकंड में, इन 4 सेकंड कितना होगा डिस्टेंस, कितना है दोस्तों यहां पे देखो, इसको और थोड़ा इधर लेता हूं मैं, थोड़ा हैंडराइटिंग के ऊपर फोकस मत करना क्योंकि मैं थोड़ा रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाओगे। तो 4 सेकंड में कितना होगा, सॉरी माफ करना मार्कर गिर गया, एक मिनट। हाँ, तो 4 सेकंड में मतलब कितना होगा, 360 उसका डिस्टेंस था, ठीक है ना, उस बंदे का दीवार से जहां से वो इको प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको कितना समय लग रहा है दोस्तों, लगभग डबल, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं क्लियर कट, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड जो होगा, ठीक है, अगर मेरे को स्पीड निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको डायरेक्ट आप कर सकते हो यहां पे, अगर आपको ऐसा करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 720। तो यहां पे आप लिखोगे 720 और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, ये लग रहा है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 18 = 72, मतलब 180। तो स्पीड आपका कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ये चीज, तो ये सबसे पहले चीज आपने निकाल लिया, दैट इज स्पीड जो है वो आप लोग ने निकाल दिया। तो स्पीड ऑफ साउंड इज नथिंग बट 180 मीटर पर सेकेंड, ये आपने निकाल लिया। अब देखो यहां पे, इसको ध्यान से सुनना, ये पहला चीज हो गया, इसको यहां पे मैं मार्किंग करता हूं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर तो निकल गया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल, दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है, टोटल टाइम कितना यहां पे लग रहा है, यहां पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस 6 सेकंड, टोटल कितने सेकंड लग रहे हैं, 4 + 2 = 6 सेकंड का इको, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा ये इसके अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे स्पीड मुझे पता है, स्पीड ऑफ साउंड ऑन एयर जो है मुझे पता है, जो कि है 180 मीटर पर सेकंड, यह हमें पता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2x विल बी इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय, उसका टाइम कितना है टोटल 6 सेकंड, मतलब दैट इज नथिंग बट स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहां पे कितना मिल जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 6 × 0 = 6 × 8 = 48 4 × 6 = 6 7 8 9 10 1080, तो x विल बी इक्वल टू 540, तो आपको x का वैल्यू मिल गया 540। तो x आपके लिए क्या माना था आपने, ठीक है, आपने कुछ माना था क्या x, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, जो भी है कोई बात नहीं, यहां पे हम लोग मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, उसको मैंने x माना था। तो ये आपका x निकल गया और ये आपका 360 है, तो दोनों वॉल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों वॉल का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, दोनों वॉल का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, x का है 540 और यहां पे कितना ऑलरेडी दिया था हम लोग को 360, तो प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 और 900 मीटर, 900 मीटर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर आ गया, कितनी आसानी से आ गया, तो दोनों आंसर हमने निकाल लिया, स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हमने निकाल ली है और दूसरा जो है हमने वो भी निकाल लिया है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अब हम जाएंगे सीधा आखिरी क्वेश्चन, जो हमारे लिए आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको मैं कराता हूं, उसके बाद ये लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड विद टू आइडेंटिकल बॉटल, ए और बी करके बॉटल होगा सेम, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है,
सेम टेम्परेचर पे, क्या बोल रहा है, सेम टेम्परेचर पे, द मास ऑफ हाइड्रोजन इन टू बॉटल इज 12 ग्राम एंड 48 ग्राम, मास जो दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉटल के अंदर 12 ग्राम का दिया हुआ है और 48 ग्राम का दिया हुआ है, करेक्ट है, कितना दिया है 12 और 48, करेक्ट, सॉरी, इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर, मतलब कौन से बॉटल में साउंड ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, एंड हाउ मेनी टाइम्स टू द अदर, मतलब पहले वाले से कितने गुना ज्यादा, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है निकालना। तो सबसे पहले जो चीज मुझे पता है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ना, ये एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, क्योंकि ये गैस है ना, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, डेंसिटी से, इज रिलेटेड टू डेंसिटी, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर्स, इसके लिए मैं बोलता हूं चैप्टर के वीडियोस देखा करो, जिसको नहीं पता वो डायरेक्ट ये देख रहा होगा तो कुछ कुछ चीजें शायद नहीं समझ आएगी, तो पहले हमारे लेक्चर वीडियो जो इस चैप्टर के बने हुए हैं साइंस का जो हमने पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट में जाके देखो, वीडियोस में सर्च करके देखो, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हमारे चैनल का नाम डाल के, इस चैप्टर का नाम डाल के, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देखो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो। तो साउंड इन गैस जो होता है वो हमेशा डेंसिटी ऑफ गैस से रिलेटेड होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है दोस्तों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, माफ करना, दैट इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, इसको हम लोग वेलोसिटी को डिनोट करते हैं इस प्रकार से, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, इसको मैं क्या मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस ऑल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर, ऑल्सो रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो कभी भी याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी से, और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर से, करेक्ट है, ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर टू, ये आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो यहां पे दोनों साइड आप देखोगे तो वी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूं वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन रूट टी, यानी कि जो अंडर रूट ऑफ टी है ये इससे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर ऑफ टी हो जाएगा और नीचे आपका अंडर रूट ऑफ रो हो जाएगा, समझा ये चीज, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ रो, ये आपको समझ में आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग दोनों बॉटल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों बॉटल के केस में हम लोग ये दोनों का V1 नाम रखेंगे और V2 नाम रखेंगे, तो फॉर A हम लोग नाम रखते हैं V1, हम लोग ने किसके लिए, मतलब देखो अभी दो बॉटल है ना A और B, तो एक का नाम मैं V1 रखूंगा, एक का नाम मैं V2 रखूंगा, तो यहां पे V1 की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम M2 बाय V मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, एंड उसी प्रकार जब V2 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट यहां पे M1 अपॉन V होल मल्टीप्लाई बाय रूट T, देखो यहां पे ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो वही चीज है यहां पे। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो इसमें जो ये रूट टी दिख रहा है ये दोनों सेम है, कैंसल हो जाएंगे, यहां पे V और V भी कैंसल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है यहां पे, V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1, तो M2 मुझे पता है, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट मुझे पता है जो कि अंडर रूट ऑफ 48, और मुझे पहले वाले का मास पता है जो कि 12, जो कि अंडर रूट ऑफ 12, ठीक है। अब सॉल्व अगर मैं इसको कर पा रहा हूं तो देखो कैसे सॉल्व होगा, तो V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट व्हाट, V1 अपॉन V2 इज नथिंग बट यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कि आपको दिखेगा रूट 48 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 12 फोर 48 होता है, मतलब 2√12 हो गया और ये अपॉन √12 हो गया, नीचे √12 ही है, तो √12 कैंसिल, यानी कि 2, तो V1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स V2, V1 इज इक्वल टू V2 उधर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय V2 हो गया, यानी V1 इज इक्वल टू 2 टाइम V2, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था ना कि इन विच बॉटल विल साउंड ट्रैवल फास्टर एंड हाउ मेनी टाइम्स एज फास्ट एज अदर, तो ये V1 जो होगा इज 2 टाइम्स V2, यानी कि V1 जो है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉटल जो एयर है बॉटल के अंदर वो 2 गुना है सेकंड बॉटल के, इससे ये हम लोग को पता चल गया, तो V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स V2, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सेकंड जो है वो 2 गुना ट्रैवल कर रहा है यहां पे, और हमारा जो आंसर भी आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है।
करेक्ट है ना। इन विच बॉटल विल साउंड ट्रेवल फास्टर, किस में ट्रेवल करेगा फास्टर? V1 में करेगा ना, V1 में साउंड ट्रेवल ज्यादा फास्टर करेगा, फास्टर है क्योंकि V1 जो है वो दो गुना है V2 का, ठीक है समझ में आ गया। और कितना है? दो टाइम, यानी दो गुना ज्यादा फास्टर है, समझ में आ गया। तो ये आपका था क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन जो हमने अपने ओन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा लेक्चर वीडियो, देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे और भी जो चैप्टर्स है या फिर इसी चैप्टर्स के जो बचे कुछ क्वेश्चन है हम लोग लाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहो और अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस देखो, अच्छे तरीके से हमारे एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करो, क्योंकि वहां पे तो तहलका मचने वाला है, धमाका आने वाला है, ठीक है। तो बस सपोर्ट बनाए रखना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।